तमाम सरकारी योजनाएं आ गई, तमाम सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन हो गया, लेकिन एक व्यक्ति जो आज भी 70 वर्ष से शौचालय में रहने पर मजबूर है, इस खबर के जरिए आपको दिखाते हैं किस तरीके से वह व्यक्ति अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा है। ताजा मामला विकास खंड करैल क्षेत्र के ग्राम नादमई में देखने को मिला, जहां ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सरकार की मंशा पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। गांव निवासी किशन लाल आजादी के 70 साल बाद भी शौचालय में रहने को मजबूर हैं। इसकी भनक ब्लॉक से लेकर जिले के आला अधिकारियों के संज्ञान में है, लेकिन आज तक इनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने अधिकारियों से साठ काट करते हुए पूर्व प्रधानों द्वारा कराए गए कार्यों को वर्तमान योजना के माध्यम से कागजों में विकास कार्य दिखाकर कार्य योजनाओं के फर्जी विकास दर्शाकर लाखों रुपए का गोलमाल कर लिया है, जिससे गांव के लोग झुग्गी झोपड़ी में रहने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं कुछ लोगों ने बताया है कि गांव का प्रधान प्रतिनिधि लोगों को गाली गलौज और धमकी भरे संदेश देता है, कहता है कि जिसको जो करना है वह कर ले, सचिव से लेकर जिले के अधिकारियों तक हम एक मोटी रकम पहुंचाते हैं जिससे तुम लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, जिसके चलते ग्राम पंचायत के लोगों में भी भारी भय व्याप्त है। चिंता देवी। अच्छा, ये कौन सा गांव है? नानवई। नानवई, जो आपके घर के सामने जो एक वृद्ध है वो शौचालय में रह रहे हैं, किस तरीके से ये जीवन यापन करते हैं, क्या यहीं रहते हैं? ऐसे ही रहते हैं जैसे रह रहे हैं, लेटरिन में सामान रखे हैं और मेहनत मजूरी आ जाते हैं वहाँ से अपने कर ले तो खा ले, तो कभी कभी जहाँ मजूरी करने जाते वहीं खाना मिल जाते है, तो ही खाते पिए थे। अच्छा, उनको कोई आवाज़ वगैरह नहीं मिला सरकार? कोई नहीं है, उन्हें कोई मतलब नहीं, जो लेटरिन मिलेगी उल्टी सूधी बहुत अधूरी डरी है, बाई में सामान रखे हैं। दादा आपका? किशन लाल। अच्छा, गाँव कौन सा है? जी, ग्राम नाम। अच्छा, आप काय में रह रहे हो इस समय? इस समय लेटरिन। आपको आवाज़ वगैरह नहीं मिला? कुछ नहीं। जब आपने प्रधान जी से बात की तो क्या कहते हैं प्रधान जी? प्रधान जी कहते हैं कि मिलेगी बस। कितने समय से आप इस शौचालय में रह रहे हैं? कम से कम हो गई हुई तीन प्रधान जी। अच्छा, कोई नहीं सर। इस जो शौचालय है वो भी पूरा पटा भी नहीं है, उसके बावजूद आप किस तरीके से यहाँ रहते हो? भाई, बाप माता जी छोटे थे, बच्चे तभी ख़त्म हो गए, इसी में रह रहे हो। अब पानी बरसे तो क्या करेंगे आप? वो तिरपान धरी चाहिए, ऊपर डाल ले खटिया। जहाँ लॉकडाउन चल रहा है, सरकार की कोई आर्थिक मदद वगैरह मिली? कोई कुछ नहीं, किसी प्रधान ने नहीं? आज से पहले भी जो प्रधान रहे उनने क्या कहा? कुछ ना, बस यही है कि बिना ढंगा जाओ, कल ले 2 किलो गेहूँ ले जाओ, 5 किलो चावल ले जाओ, 5 किलो चावल दे दी, कुछ जो तो कुछ देती नहीं। कौन नहीं? जो मौजूदा प्रधान है उनका क्या नाम है? जो आज प्रधान है आपके गांव के, वो डीलर को नाम रामकिशन है और बाप को नाम, क्या नाम है आपका? अजय कुमार। क्या पदभार है? पद क्या है आपका? प्रधान पद। गांव? ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर। अच्छा, आपके गांव में लोगों की शिकायतें हैं कि कुछ लोग जो है शौचालय में रहने को मजबूर है, क्या कारण है? लगातार काफ़ी समय से वो रह रहा है उसमें, आपकी निधि से भी आप उसे अनुदान दे सकते हैं, आखिर क्यों उसकी मदद नहीं हो पा रही है? करेंगे सर, बर्तन के अंदर टीन लगा दीवार लगा। अच्छा, गांव में और भी समस्याएं हैं, लोग झुग्गी झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं, क्या कारण है? लोग गरीब है ना, समस्या बहुत है आगे। अच्छा, आपके गांव के कोटा डीलर कौन है? श्री राम किशन जी। वो आपके कौन लगते हैं? पिताजी। पिताजी है, आप प्रधान हैं, आपके पिताजी जो है कोटा डीलर है, दोनों पदभार आप घर में।